खेल और खिलाड़ियों को लेकर उत्तर प्रदेश योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार काफी संजीदा है। इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा भी समय समय पर खेल कूद से रिलेटेड कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। गोरखपुर की 48 में शूटिंग और एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता का आयोजन बस्ती पुलिस लाइन में किया गया। 20 अगस्त से शुरू हुए इस प्रतियोगिता में गोरखपुर जोन की सभी 11 टीमों ने प्रतिभाग किया था, जहां पहले दिन देवरिया और सिद्धार्थनगर जनपद का दबदबा रहा था, तो दूसरे दिन बस्ती, बहराइच, बलरामपुर और देवरिया के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था, तो वहीं तीसरे दिन बलरामपुर और देवरिया को एक बार फिर से अपना परचम लहराने का मौका मिला था। लेकिन बस्ती जनपद की सबसे सुखद बात यह रही कि यहाँ के सीओ कलवारी विनय सिंह चौहान ने 300 मीटर क्रोन क्रूज वर्ग प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए 8 जिलों को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब रहे थे। आज इन सभी विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। ये आज 48वीं इंटर डिस्ट्रिक्ट जोनल गोरखपुर जोनल प्रतियोगिता थी। ये जो शूटिंग प्रतियोगिता अलार्म एफिशिएंसी प्रतियोगिता हो रही थी, उसका ये आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। इसके अंदर में हमने देखा कि बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट और कुछ डिस्ट्रिक्ट बस्ती जनपद है, वो अलार्म एफिशिएंसी के अंदर नंबर वन आया था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो आयोजन है ये उस जगह पर आयोजित हो रहा है जहाँ पर कि 26 साल के बाद में जो हमारी चांदमारी बट जो भी निष्क्रिय पड़ी हुई है उसको एक्टिवेट करके जो बनाया गया है हमारी खुद की पुलिस रेंज पर हो रहा है। इससे पहले RPF की जो थी उस पर होता था। बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है और हम चांदमारी को भी अच्छा कराएंगे और हमारी जोनल की जो टीम है जो चयनित होकर UP पुलिस लेवल पर जाएगी वो भी अच्छा कराएंगे।